नमस्कार, मैं इस समय पलवल जिले के गांव धौलागढ़ में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खेत में लबालब पानी भरा हुआ है। किसान की मेहनत जो धान की रोपाई है वो पूरी कर दी जा चुकी है। किसान इस समय बहुत खुश नजर आ रहा है। किसान का कहना है कि मानसून के पिछले लंबे समय से इंतजार हो रही थी, अब मानसून आ चुका है। और मानसून जिसे कहते हैं कि अमृत जब बरसता है किसान के चेहरे खिल उठते हैं। और किसान के लिए सबसे बड़ी बात है, अगर मानसून किसान को अच्छा मिल जाता है तो बम्पर पैदावार होती है, जिससे अर्थव्यवस्था वो भी मजबूत होती है। वहीं आपको बता देते हैं कि पिछले वर्ष जुलाई 2023 में लगभग 55,800 एकड़ रकबे में जो धान की रोपाई की गई थी और कपास की जो बिजाई की गई थी वो लगभग 45,850 एकड़ रकबे में इसकी बिजाई की गई थी। और बात कर लेते हैं चालू सीजन को लेकर, जो कि 14,650 एकड़ में अब तक किसान धान की जो रोपाई कर चुका है और इसके साथ साथ जो कपास की बिजाई है वो लगभग 35,187 एकड़ में इसकी बिजाई की जा चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून बेहतर स्थिति में बताया जा रहा है। किसान काफ़ी प्रसन्न नजर आ रहा है। किसानों को कहना है कि मानसून अगर इसी चाल से आगे बढ़ता है तो इससे बहुत मजबूती मिलेगी और जो आने वाले समय में जो धान की और जो फसल होगी वो एक बम्पर फसल पैदा होगी, उससे आने समय किसानों को तो लाभ मिलेगा और आने में समय अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। सर बताएंगे पिछले साल अब तक जो 2023 में कितने रकबे में धान की रोपाई हो पाई थी और साथ के साथ कपाई की कितनी बिजाई हो पाई थी? पिछले साल देखिए हमारे जो जुलाई 2023 तक जो पेड़ी की जो बिजाई धान की हुई थी वो 55,800 एकड़ की हुई थी। और आप कपास की करें तो कपास भी जुलाई में 45,850 एकड़ की बिजाई हुई थी। वहीं बात कर लेते हैं चालू सीजन को लेकर अब तक, इस समय हाल में भी धान की भी रोपाई चल रही है और कपास की भी रोपाई चल रही है, तो लगभग कितने रकबे में अब तक धान की रोपाई हो पाई है और साथ के साथ कपास की कितनी रोपाई हो पाई है? देखिए इस बार अभी तक जुलाई में जो हुई है वो 14,605 एकड़ की हुई है धान की बिजाई, और आपका जो कपास है वो 35,187 एकड़ की बिजाई हुई है। तो कपास की बिजाई तो समय जा चुका है, बाकी धान की बिजाई अभी चल रही है। क्यों, मौसम ज़्यादा गर्मी होने के कारण कुछ पौध भी ख़राब हो गई थी किसान की, और इसलिए वो लेट है। बाकी बिजाई अभी चलेगी, जुलाई जुलाई चल जाती है। दूसरी बात ये थी कि इसमें जो दूसरी वैरायटी है धान की वो लगभग कितनी इसकी रोपाई की गई है? दूसरी वैरायटी तो कम ही है, बासमती का ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो वैरायटी है कम टाइम की हैं, 90 दिन की होती हैं, जिसको कि किसान आराम से अपने गेहूँ से पहले सीजन में पहले काट लेता है। सर मानसून को लेकर बात कर लेते हैं, बताया मौसम में बात कह रहा है कि मानसून काफ़ी अच्छा रहेगा, तो क्या अच्छे मानसून से धान पर कहीं असर पड़ेगा, किसानों को कहीं लाभ मिल पाएगा? हाँ, यदि मानसून बढ़िया बारिश होगी तो किसान को बढ़िया लाभ मिलेगा, पानी कम लगेगा, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए बारिश का अहम योगदान होता है, यदि बारिश हो जाए अच्छी तो। धान की फसल को लेकर बात करते हो, क्या लाल लीनों को भी कहीं असर दिखाई देगा इसके ऊपर? हाँ, इसका अभी देखो टेम्परेचर जिस तरह अब की बार गर्मी ज़्यादा पड़ी है उस हिसाब से बारिश के भी बढ़िया वो बता रहे संकेत हैं, बढ़िया बारिश होने की संभावना है। तो मान के चले बम्पर जो है धान की पैदावार हो सकती है। हाँ जी, यदि बारिश बढ़िया हो जाती है तो बढ़िया पैदावार होगी, लागत भी कम आएगी।